हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं बताया था वीडियो में कि आप फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करोगे। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर एनसीईआरटी के सिलेबस में है, मीन्स 12th के सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ऑल बोर्ड एग्जाम्स में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रहता है, सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर या nth ऑर्डर नहीं रहता है। तो मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर को एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बताया, बट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेई मेन एडवांस या नीट एग्जाम्स में उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है। मींस उसमें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है और सिंबल बदल कर पूछता है। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसके अलावा क्या क्या सिंबल इस्तेमाल होता है, उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। अब सिंबल देखते हैं। एट टी जीरो पे रिएक्टेंट के इनिशियल कंसेंट्रेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन तो टी जीरो पे जीरो ही होगा। एट टाइम टी एक्स इज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एट टाइम टी पे हम लोग प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स एक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। अगर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म हुआ है तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा जी, तो ए माइनस एक्स हुआ रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन एट टाइम टी पे। तो अब मैं जितने भी आर नॉट आर है था उस सबको ए और एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आर नॉट इज इक्वल टू ए हो गया, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे क्या होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट प्रेजेंट टाइम, तो एक्स हो गया। तो आर इज इक्वल टू हो गया ए माइनस एक्स, मीन्स हमारा रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन अब बन गया है ए, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी बन गया ए माइनस एक्स, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी हो गया एक्स। अब इसी सिंबल में जितने भी फॉर्मूला में बताया हूं उसको फिर से बता रहा हूं, गौर से देखिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ा है के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, आपके कॉप होगा, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो k इज इक्वल टू लिख सकते एक्स बाई टी, मीन्स ये भी आपका फॉर्मूला आ गया, इसको ही मैं ज्यादा यूज करूंगा। हियर x कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, k रेट कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन t इज टाइम, x कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी के रेट कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह से आप इसको फॉर्मूला को याद रख सकते हो। और फर्स्ट ऑर्डर वाला भी चेंज करते हैं हम लोग। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर का ग्राफ भी देख लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, इस एक्स पे रखा था आर और इस पे टी, अब यहां इस बार हम लोग इस क्या रखेंगे जी, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी कर लेते हैं। इस एक्स पे रखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यहां पे रखते हैं टाइम टी। जिस समय आप देख लो ये तो कॉन्स्टेंट होता है, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट होता है, वो टेम्परेचर के अलावा किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, बट नॉर्मली हमारा रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। तो यहां पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा के टी, ये तो कांस्टेंट हो गया, मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, x और t दोनों का पावर वन है, तो ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह से भी ग्राफ दे देगा। और आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि एक से यहां पे क्या है, एक से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और टी है आपका टाइम, इसके बीच ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो पक्का रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर का है। तो आपको ग्राफिकली एक तो आपने देखा था रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ये आपका हो गया प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ऐसे रहता है, रिएक्टेंट में भी रह सकता है ऐसे। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे क्या होगा, ए माइनस एक्स, और टाइम टी, इसके बीच का भी ग्राफ देख लो। अब इसके बीच में तो वही था ग्राफ जो आप पहले देखे हो,
क्योंकि आर के जगह पे यही है ए माइनस सिक्स। तो हम लोग देखे थे कि आर और टी के बीच में ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन था। तो इस तरह से आपको ध्यान समझना होगा कि ए माइनस सिक्स हुआ रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ और स्ट्रेट लाइन हुआ तो यह आपका होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको यह बताया कि एग्जाम्स में ऐसे भी सिंबल पे क्वेश्चन आ सकते हैं तो यू शुड नो, बट एकेडमिक एग्जाम में आर और आर नॉट ही रहता है, बट इंट्रेंस एग्जाम में ए और एक्स पॉपुलर है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। हालांकि कई बार जो एडवांस एग्जाम इस सिंबल को भी बदल देता है, बट नॉर्मली सिंबल यही रहता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें देखो जी, अब सिंबल आपका किस तरह चेंज होगा। तो रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर था। के इज इक्वल टू आप सिंबल चेंज कर दो 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे जी ए, एंड आर की जगह पे ए माइनस एक्स, ये आपका न्यू एक्सप्रेशन हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का इक्वेशन जो हमारा आर नॉट और आर का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, मींस जो एनसीईआरटी वाला वही है, लेकिन इसको मैं ए और ए माइनस एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि इस सिंबल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आर नॉट की जगह पे ए और आर की जगह पे ए माइनस एक्स। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप इस टी को इस साइड कर दो तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। 2.303 लॉग को आप एल एन लिख सकते हो, वी नो दैट एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। तो आप 2.303 लॉग एक्स के बदले में ln x लिख सकते हो। तो यहां मैं वही करूंगा के टी इज इक्वल टू ln a बाई ए माइनस एक्स। अब आप सबको पता होना चाहिए कि log का जो ये दोनों आप जो पावर है a और a बाई ए माइनस एक्स है, इसको उलट दोगे तो यहां माइनस आ जाएगा। आप खुद भी देख लो ये फॉर्मूला log m बाई एन इज इक्वल टू व्हाट, log m माइनस log n। अगर log n बाई एम करते हो तो क्या होगा, log n माइनस log m, मीन्स इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर log का जो m बाई एन है उसको n बाई एम कर दोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं kt इज इक्वल टू निगेटिव ln a माइनस x बाई ए। अब ये निगेटिव को सेट कर दिया, ln a माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस के टी। तुम सबको पता है कि log का बेस यहां पे ई है, हमें पता है कि log का बेस 10 है, x इज इक्वल टू अगर y है तो x इक्वल टू 10 टू द पावर y। उसी तरह से यहां भी हम लिखेंगे ये log का बेस ई है तो a बाई ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। इसको ऊपर लाते हैं, यहां लिखते हैं a माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया a ई टू द पावर माइनस के टी। ये बहुत काम का एक्सप्रेशन हमारे पास आया, a माइनस एक्स हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ए इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ई एक्सपोनेंशियल, के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, टी टाइम। तो इस तरह से रिलेशन हुआ। अगर आप निकालना चाहते हो ये तो आपने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन एट टाइम टी निकाला, अगर आप निकालना चाहते हो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी तो कैसे निकाल सकते हो। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होता है, x मीन्स
एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस एक्स किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे रिएक्टेंट के इनिशियल कंसेंट्रेशन से, उस समय जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है उसको माइनस कर दो, किसका कंसेंट्रेशन जाएगा, प्रोडक्ट का, एक्स होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, लिखो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस एक्स के बदले में रख दो ए टू द पावर माइनस के टी, आप ए कॉमन ले लो तो वन माइनस ए टू द पावर माइनस के टी, इस तरह से यह एट टाइम टी पे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हुआ। इस फॉर्म में आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसा आता है और मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछूंगा वो इस फॉर्म में रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस तरह के फॉर्मूला में, मीन्स इससे पहले जो हम लोग ग्राफ पढ़े हैं जिसमें ऑर्डिनेट पे मीन्स वाई एक्सिस पे रहता था ln ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच ग्राफ था, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच ग्राफ है। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने का वही तरीका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उसका पावर वन नहीं है, यह एक्सपोनेंशियल का पावर आपका टी है और ए माइनस एक्स मीन्स ग्राफ कर्व होगा, क्लियर है। अब ग्राफ कहाँ से पास करेगा तो उसके लिए हम लोग देखते हैं टी जीरो करते हैं, एट टी इज मीन्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टी जीरो करोगे तो यहां पे देखो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू द पावर माइनस के टी है तो के इंटू जीरो तो जीरो हो गया, टी का पावर जीरो वन मीन्स क्या हो गया ए मीन्स जिस समय आपका टी का वैल्यू टाइम जीरो होगा उस समय ए का मीन्स ए माइनस एक्स का वैल्यू ए होगा, सही बात भी है, जिसमें टी जीरो होगा उसमें रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए होगा, तो यहां से ग्राफ आपका शुरू होगा, यहां से यहां तक आपका ए है, अब हम लोग कटिंग पता करेंगे टाइम एक्सिस का, तो इसके लिए इसको जीरो करना होगा, मीन्स आप देखो यहां पे ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस, तो माइनस पावर तो नीचे आ जाएगा, ई का पावर के टी हो गया, तो अब टी टेंस टू इन्फिनिटी कर लेते हैं तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी टेंस टू इन्फिनिटी अगर करते हो तो ई का पावर इन्फिनिटी, ई आपका वैल्यू जो है वन से ज्यादा है तो वन से अगर ग्रेटर नंबर है उसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इससे पूरा पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, ए बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, तो टेंस टू आपका जीरो हो जाएगा, मीन टी टेंस टू इन्फिनिटी देन ए माइनस एक्स टेंस टू जीरो, इसका मीनिंग हुआ ग्राफ ऐसे होगा, इस तरह का होगा, करो ये ग्राफ हुआ ए माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस के टी, ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ लिए हैं जो एनसीईआरटी बुक में है, मिस ओनली बोर्ड के लिए, बट नीट और जेई मेन एडवांस के लिए आपको सेकेंड ऑर्डर एनथ ऑर्डर भी आपको पढ़ना होगा, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो गौर से देखिए यहां भी वही रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी जीरो, सॉरी एट टी इज इक्वल टू जीरो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो, एट टाइम टी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स सो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी ए माइनस एक्स, वी कैन राइट हियर रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यू नो वी कैन रिप्रेजेंट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स का पावर टू बिकॉज दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड from equation first and second dx by dt is equal to what k a minus x का power 2। अब इसी टर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, dx इधर डिफरेंशियल कोफिशियंट है उस साइड ही x का एक्सप्रेशन करना चाहिए,
तो dx इधर है तो x वाले एक्सप्रेशन को इस साइड लाएंगे, a माइनस x का होल स्क्वायर, dt को उस साइड फेंक दिया तो k dt हो गया। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना, आगे बढ़ते हैं तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन dx बाई a माइनस x का होल स्क्वायर k dt, टेकिंग लिमिट व्हेन t इज इक्वल टू जीरो देन a माइनस x विल बी a, क्योंकि जिस समय यहां पे, लेकिन a माइनस x नहीं, यहां पे इंटीग्रेशन आप x के टर्म से कर रहे हो तो लिमिट x के अकॉर्डिंग लेना होगा। ये बात आपको समझना होगा, जब t जीरो होगा उसमें x का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। देख लो, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो देन x विल बी जीरो जीरो जीरो, when t is equal to t then x will be x because you are differentiating this function in terms of x, dx integrating factor है तो उसके according x का ही limit यहां पर हम put करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका integration तुमसे परे हो, 1 by x square dx का integration आपका होगा, यहां पे x का power ऊपर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा, x का पावर आपका माइनस टू हो गया तो उसमें इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो पावर में वन ऐड करते हैं, तो माइनस टू में वन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन से यहाँ डिवाइड होता है तो डिवाइड हो गया, और फिर टू माइनस टू में वन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो वन बाई एक्स हो जाएगा। इसी का यहां पर इस्तेमाल होगा, सेम कहानी यहां भी है, वन बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहां पे हो जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स, इसका पावर माइनस टू तो गया तो यहां पे माइनस हो गया, लेकिन यहां पे ए माइनस एक्स है जिसका इंटीग्रेट कर रहे हो आप, डीएक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स का साइन अगर निगेटिव होगा तो साइन से फिर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में आपसे पढ़े होंगे या पढ़ोगे, तो ये माइनस फिर यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स, लिमिट पुट कर देंगे 0 टू x, और इधर हो गया kt। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है किस तरह से इंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से होता है, दिस इज द फॉर्मूला। यहां भी माइनस रहता लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस खत्म हो गया, तो आप डायरेक्टली आपके किसी भी एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा मेडिकल एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, तो आप फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन जो जेई मेन वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सुटेबल है, उनके लिए जरूरी भी है। अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो a माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर जीरो तो 1 बाई ए हो गया kt। वापिस को सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए इसके बाद ऊपर आते हैं, यहां पे एलसीएम लेंगे तो a इंटू ए माइनस एक्स हो गया, यहां पे होगा a और यहां पे होगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, माइनस ए माइनस ए कैंसल हो गया, माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, तो x बाई a इंटू ए माइनस एक्स के टी, सो k इज इक्वल टू 1 बाय एक्स बाय टी ए ए माइनस एक्स, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हियर ऑल सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, दैट मीन्स के रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, x कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, टी इज टाइम, ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स इज concentration of reactant at time t. Now integrated rate law expression for nth order reaction. Nth order reaction के लिए integrated rate law expression. आप गौर से देखिए, इस बार reaction का order n है, सब कुछ same होगा, reactant to product at t is equal to zero, initial concentration a, product का concentration zero, at time t concentration of product will be x, so concentration of reactant will be a minus x. Everything is same. Here we can write rate is equal to dx by dt
वी कैन ऑल्सो राइट रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एन बिकॉज आवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, dx by dt is equal to k a minus x n. Now proceed it. इसको लेकर आगे बढ़ते हैं. फिर वही कहानी, integration dx by a minus x का power n is equal to k dt. Integration करेंगे हम लोग, integrating dx by a minus x का पावर n k dt. x से t इज इक्वल टू जीरो, जब t जीरो तो x जीरो, जब t t तो x x. फिर यहां पे इंटीग्रेशन वाई कहानी, a माइनस x का पावर n है, ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, माइनस n में वन ऐड करेंगे तो माइनस n में वन ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा वन माइनस एन. अब उस वन माइनस एन से डिवाइड कर देंगे यहां पे, और फिर और ए माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, हो जाएगा वन माइनस एन हो जाएगा, वन माइनस एन हो जाएगा. फिर उस मीन्स इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, जैसे यहां पे वन एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो रूल क्या होता है, एक्स का एक पावर एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर थ्री हो गया, और थ्री से हम लोग डिवाइड कर देते थे, इसका इंटीग्रेशन हो गया. उसी तरह से यहां भी करना है. तो वन बाई माइनस एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया और इसका इंटीग्रेशन हो गया वन बाई ए माइनस एक्स का पावर वन माइनस एन, और लिमिट पुट करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम फिर यहां पे यह है कि फिर यहां पे एक्स के साथ माइनस है, इसलिए फिर यह माइनस बाहर आएगा. तो ये हो जाएगा, ये हुआ वन माइनस एन. लेकिन जब इस माइनस माइनस ए माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस ये तुम्हारा वन बाई वन माइनस एन को वन माइनस एन को एन माइनस वन कर देगा, और लिमिट पुट कर दिया जीरो टू एक्स के टी. यह बात आपको फिर से समझना है, ए माइनस एक्स इसका पावर एन है, ऊपर गया तो माइनस एन हो गया, तो माइनस एन में वन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन, उसे डिवाइड कर दिया, और फिर माइनस एन प्लस वन को वन माइनस एन लिख सकते हो, ए माइनस एक्स का पावर ए हो गया. फिर लिमिट पुट कर दिया जीरो टू एक्स, लेकिन एक्स के साथ माइनस है तो माइनस से फिर यहां मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन का रूल है, वहां पढ़ोगे. तो जब माइनस हो जाएगा तो ये जो तुम्हारा वन माइनस एन है वो एन माइनस वन हो जाएगा. इस अगला स्टेप में ऐसे लिखूंगा, वन बाई एन माइनस वन और यह वन बाई ए माइनस एक्स का पावर वन माइनस एन. जीरो टू एक्स के टी. अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो वन बाई एन माइनस वन, वन बाई ए माइनस एक्स का पावर वही है आपका वन माइनस एन, माइनस जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा वन बाई ए का पावर वन माइनस एन इज इक्वल टू के टी. यही आपका एक्सप्रेशन आ गया. ये हुआ एक्सप्रेशन एनथ ऑर्डर रिएक्शन का, एनथ ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यह आपका एक्सप्रेशन हुआ. इसमें इसमें एक काम हम लोग करते हैं, इससे इंटीग्रेशन जब करते हैं ए माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस एन प्लस वन. इस वन माइनस एन पावर कब रहेगा, जब ए माइनस एक्स ऊपर रहेगा. लेकिन उसको अगर आप फिर नीचे लेकर आ जाओगे इसका पावर एन माइनस वन हो जाएगा. मीन्स यहां पे इसको हम लोग जैसे अगर इसको ए माइनस एक्स अगर ऊपर यहां पर आ गया ए माइनस एक्स का पावर आपका वन माइनस एन रहेगा. लेकिन जब इसको आप नीचे ही रखोगे, जब नीचे रखोगे तो इसका पावर हो जाएगा
एन माइनस वन, अब इसका लिमिट पुट करो, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है इस nth ऑर्डर रिएक्शन का। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तो हम लोग nth ऑर्डर तक पढ़ लिए, बट एक एग्जाम में कई बार आ चुका है, आई थिंक मेडिकल एग्जाम में भी एक बार आया है और आगे भी आएगा, बट जेई मेन एडवांस का तो हिट क्वेश्चन है। इसमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट निकालना रहता है, जिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में दो अलग अलग रिएक्टेंट्स रहता है, जैसे ए बी टाइप, ए प्लस बी एरो साइन पी, इस तरह के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आपको निकालना है रेट कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म में। हालांकि ये डेरिवेटिव ये एडवांस में एक दो बार आया है, बट और किसी एग्जाम में तो आएगा नहीं, बट आपको पता रहना चाहिए। मेडिकल नीट एग्जाम के लिए फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे कैसे करते हैं, दिस इज वेरी स्पेशल थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट टी इक्वल टू जीरो रिएक्टेंट ए का कंसेंट्रेशन ए, बी का कंसेंट्रेशन बी, प्रोडक्ट का जीरो। एट टाइम टी एक स्मॉल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अगर एक स्मॉल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है कि सबका कोफिशियंट वन, इट मीन्स एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी से कंबाइंड करेगा तभी एक स्मॉल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर रिएक्टेंट का ए का एक स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना है, ए माइनस एक्स। रिएक्टेंट बी का एक स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना, बी माइनस एक्स। तो एट टाइम टी पे ए का कंसेंट्रेशन हुआ ए माइनस एक्स, बी का कंसेंट्रेशन इज बी माइनस एक्स एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इज एक्स। नाउ वी कैन राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन of this reaction in this way, rate is equal to rate constant, concentration of A minus X into concentration of B minus X, means product of concentration of both reactants के form में आप लिख सकते हो, because reaction is second order, दोनों reactant एक concentration का power 1-1 है यहाँ पे। You can also write the rate of reaction in terms of change in concentration of product, means dx by dt, दोनों equation को compare करके हम लोग expression लाएंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, मीन्स उस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन में रूल्स होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मीन्स इसको दो पार्ट में हम लोग, प्रोडक्ट एलसीए जो डिनोमिनेटर है वो आपका प्रोडक्ट में है, इसको दो अलग अलग पार्ट में हम लोग कर देंगे, मीन्स इसको 1 बाय ए माइनस एक्स माइनस 1 बाय बी माइनस एक्स में कर लिख दिया इसको। अब ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लो तो नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स यहां पे आएगा, यहां पे क्या आएगा जी ए माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, तो बी माइनस ए बचेगा, तो उस बी माइनस एक्स ने डिवाइड कर दिया, तो यह और यह दोनों एक्सप्रेशन एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इससे फायदा यह हो गया कि अब ये दो अलग अलग पार्ट में हो गया, इनका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए इजियर हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, वन बाई बी माइनस ए अलग रह गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे डी एक्स बाई ए माइनस एक्स तो हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स, आपको पता है, फिर एक्स के माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसका करते हैं माइनस, वही यहां भी वही कहानी, एल एन बी माइनस एक्स और ए माइनस की वजह से माइनस एक्स प्लस हो गया, लिमिट जीरो टू एक्स, इधर डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया। अब इस लिमिट को पुट करते हैं, इसमें पहले पुट करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन बाहर में पहले ही से है, अपर लिमिट पुट करोगे एक्स तो एल एन ए माइनस एक्स और माइनस रहे क्योंकि माइनस बाहर है। अब इंटीग्रेशन में होता है जब सेकंड लोअर लिमिट पुट करोगे, एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो एल एन ए हो जाएगा और माइनस लेने होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे अब प्लस, फिर इस पर लिमिट पुट कर दो, इंटीग्रेशन का अपर लिमिट एक्स पुट किया तो एल एन बी माइनस एक्स हुआ, लोअर लिमिट जीरो पुट किया तो एल एन बी हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स आप इसको इस तरह से लिखोगे, एक्सप्लेन करके यहां मैं लिख दे रहा हूं अगर दिक्कत है तो, जैसे माइनस एल एन ए माइनस एक्स है, इसका लिमिट है जीरो टू एक्स, इसको कैसे लिखोगे आप, माइनस तो बाहर है, बाहर रहने दो, अपर लिमिट एल एन ए माइनस एक्स माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो जीरो तो एल एन ए हो जाएगा, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल एन ए, तो दिस इज दिस, उसी चीज को मैं यहां लिख दिया हूं डायरेक्ट, फिर इसको भी ऐसे ही कर दिया, केटी हो गया। अब आप इसमें आप देख रहे हैं दोनों प्लस में है, तो एल एन एम इन टू ए, मतलब
एम इंटू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एल एन ए इंटू बी माइनस सिक्स, क्योंकि ये एल एन एम एल एन ए और एन एल एम एल एन एम प्लस एल एन एम क्या हो जाएगा एल एन एम इंटू एन, तो ऊपर लिख दिया ये दोनों माइनस में है तो दोनों नीचे हो जाएगा बी ए माइनस सिक्स, और इस तरह से फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। वन बाई बी माइनस ए रहता है, एल एन ए के साथ बी माइनस सिक्स है तो ए है, और नीचे ए माइनस सिक्स है तो बी है, इज इक्वल टू के टी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाफ लाइफ टाइम टी हाफ। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल क्राइटिक्स में। हाफ लाइफ टाइम होता क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम वह टाइम होता है जितने टाइम में 50% रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो जाता है। मीन्स इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है वही टाइम उस रिएक्शन का टी हाफ कहलाता है। किसी केमिकल रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगे उसको बोलते हैं हम लोग टी हाफ, हा और हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले फॉर टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। We know that k is equal to x by t. You can remember here k is rate constant of zero order reaction, x is concentration of product at time t. तो अगर जब t t half होगा उसमें 50% reactant क्या बन जाएगा? Product. तो when t is equal to t half, then x is equal to a by 2. यहां पे ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। हियर a इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो पुट कर इसमें के एक्स की जगह पे रखो ए बाई टू, टी की जगह पे टी हाफ, टी हाफ इधर आ गया, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई टू के। ये हुआ आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ और रेट कांस्टेंट में रिलेशन। ये जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो आप देख रहे हो यहां पे टी हाफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हो। मैं बताया कि एकेडमिक एग्जाम में सिंबल ये सब इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें आपको पता है के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी रहता है। यहां भी वही, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ then R is equal to R naught by 2 because 50% reactant is converted into product. So K is equal to R naught minus R naught by 2 by T half. Same, T half is equal to R naught by 2k. तो आप किसी भी सिंबल में निकालो वैल्यू एक ही आएगा, लेकिन हाँ अगर आप r नॉट के टर्म्स में करोगे तो r नॉट by 2k होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ये मानोगे तो ए by 2k होगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का t हाफ, we know that k is equal to 2.303 by t log r naught by r,
पता है आपको, when t is equal to t half, then r is equal to r naught by 2. Putting the value of r and t in above equation, we get 2.303 by t half log 2. R naught, r naught cancel हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो t half is equal to 2.303 log 2 by k. log 2 का वैल्यू रखेंगे हम लोग, 2.303 log 2 का वैल्यू होता है 0.301 by k. इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका 0.693 by k. तो t half इक्वल टू 0.693 बाई के. आप इस पूरे के बदले में ln 2 भी लिख सकते हो, मीन्स टी हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू ln 2 बाई के, ऐसा भी हो सकता है. तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया. This is the only reaction which T half is independent with initial concentration of reactant. First order reaction single ऐसा reaction है जिसका T half उसके reactant के initial concentration पे depend नहीं करता है. This is very very important information. On the basis of this information, many times we can easily assess what should be the order of reaction. Now T half for second order reaction. अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं. आप गौर से देखो, यू नो दैट के इज इक्वल टू एक्स बाई टी ए इंटू ए माइनस एक्स. पुट करो, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ देन एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू. पुट करो के ए बाई टू t half a into a by 2 कैंसिल हो गया. तो t half is equal to 1 by a k. यहां आप देख रहे हो कि t half सेकेंड ऑर्डर का t half रिएक्टेंट के इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जबकि फर्स्ट ऑर्डर का इंडिपेंडेंट था, जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. तो अब हम लोग जा रहे हैं एक ही बार nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कैलकुलेट करने. टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ये फॉर्मूला हमें पता है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. अब व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ देन ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए बाई टू. तो पुट करते हैं, इधर हो गया आपका n माइनस वन इस साइड, और 1 बाई एक्स की जगह पे आप a बाई टू पुट कर दो. a माइनस ए बाई टू एन माइनस वन माइनस 1 बाई ए का पावर माइनस 1 के टी टी हाफ अब यहां से ए कॉमन ले लेते हैं. तो 1 बाई ए कॉमन ले लो तो ए का पावर एन माइनस 1 बाहर निकल जाएगा. यहां बचेगा आपका 1 माइनस 1 बाई टू ये हो गया 2 2 माइनस 1 आपका 1 1 बाई टू इसका पावर n माइनस 1 है. यहां पे हो जाएगा 1 बाई 2 का पावर n माइनस 1 उलट ऊपर चला जाएगा.
या डायरेक्टली यहां पे a में से a बाई टू माइनस हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। a बाई टू का पावर n माइनस वन, तो 2 का पावर n माइनस वन उलट ऊपर चला जाएगा, 2 का पावर n माइनस वन ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a का पावर n माइनस वन, तो ऊपर हो गया 2 का पावर n माइनस वन बाई a का पावर n माइनस वन माइनस 1 बाई a का पावर माइनस वन इज इक्वल टू के टी हाफ। 1 बाई एन माइनस वन इन्यूमरेटर दोनों का कॉमन है, तो a माइनस a का पावर n माइनस वन और ये हो गया 2 का पावर n माइनस वन माइनस वन के टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया जी, टी हाफ इज इक्वल टू k को इधर फेंक दो तो आपका यह हो जाएगा 1 बाई एन माइनस वन के 2 का पावर एन माइनस वन बाई ए का पावर एन माइनस वन। यह एक्सप्रेशन हुआ टी हाफ का nth ऑर्डर रिएक्शन का। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे देखो n कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 2 का पावर माइनस वन कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, मीन्स टी हाफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, a का पावर एन माइनस वन के, मीन्स टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a का पावर n माइनस वन। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a का पावर 1 माइनस n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1 माइनस n, वेयर n इज एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड a इज इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एन्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन देखो, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन है जिसके रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन यह है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो टी हाफ उसका 40 सेकेंड्स है, जब जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो टी हाफ उसका 20 सेकेंड्स है। तो आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो निकालो। तो कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है दोनों का, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0.693 बाई के वन, तो के वन इज इक्वल टू 0.693 बाई 40। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका के टू पता है, टी हाफ ए बाई टू के नॉट होता है तो के नॉट को यहां में कर दिया तो ए बाई टू टी हाफ हो गया। तो ए का वैल्यू यह है, टी इसका टी हाफ 20 है तो 2 इंटू 20 तो इतना बाई 40 हो गया। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा के वन बाई के टू, राइट साइड तुम्हारा क्या होगा 0.693 बाई 40 और इसे डिवाइड करोगे दुलट के 40 ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा 1.386। 40 कैंसिल हो गया, इसी से कट करोगे 2 आएगा, मीन्स के वन बाई के टू हो जाएगा 0.5। आंसर विल बी ए।